सिंगरौली जिले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सिंगरौली में कांग्रेसियों ने निकाली जन आक्रोश रैली, पीएम मोदी का फूंका पुतला। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने का मामला लगातार तुल पकड़ता ही जा रहा है। सिंगरौली जिले के कांग्रेसी नेता संबंधित मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। दरअसल सिंगरौली जिले के कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय से सैकड़ों की तादाद में मुंह पर काला पट्टी बांध कर ताला बंद कर अपना विरोध रैली के माध्यम से प्रदर्शित करते हुए कांग्रेस कार्यालय से बिलौंजी से सैकड़ों कांग्रेस नेता कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट ऑफिस होते हुए यहां पर बता दे एसपी ऑफिस होते हुए माजन मोड़ राजीव चौक पर पहुंचकर नारा लगाते हुए एकत्रित हुए एवं राजीव गांधी चौक पर कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतीकात्मक 3 पुतला दहन कर दिया। यहां पर हालांकि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कोतवाली पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहे, परंतु पुलिस को देखते देखते ही कांग्रेसियों के द्वारा एक के बाद एक 3 पुतले दहन कर दिए गए। हालांकि शहरी अध्यक्ष अरविंद सिंह ने कहा, लोकतंत्र की हत्या, राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने से नाराज कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं के द्वारा सैकड़ों की तादाद में रैली निकाली गई है, जिसमें रैली को संबोधित करते हुए शहरी अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने कहा, जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई है वह लोकतंत्र की हत्या के समान है। दरअसल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने में अंधी हो गई है भाजपा सरकार। अदानी एवं अंबानी जैसे पूंजीपतियों को लगातार फायदा पहुंचा रही है सरकार के द्वारा। 60,000 करोड़ रुपए यूं ही बर्बाद कर दिए गए, जबकि ये पैसा देश के आम जनता का है। सरकार अपने पूंजीपति मित्रों की मदद के लिए देश की जनता की बलि दे दी है। संसद में विपक्ष नेता राहुल गांधी हमेशा ही भाजपा के इस तरह की रीति नीति का विरोध करते हैं, जिससे नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सदस्यता समाप्त कर दी है। देश को आजाद कराया था हमारी पार्टी ने, देश को आजाद लगातार ऐसे ही तातरीन खबरों को देखने के लिए बने रहे यूडी न्यूज के साथ, और मैं हूं पंकज दुबे।